तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलुस यादव वर्सेस मैक्स टाइन की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या ये कंट्रोवर्सी असली थी या फिर व्यूज और फॉलोअर्स लाने का कोई नया तरीका? वैसे ही कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो कंट्रोवर्सी ऑनलाइन चल रही थी वो ऑफलाइन मारपीट तक पहुंच गई। इसके अलावा सिर्फ एलुस और मुनावर के मिलने से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे हो गई? एलुस और मैक्स टाइन की कंट्रोवर्सी चल ही रही थी कि बीच में और भी काफी सारे लोग एंट्री मार देते हैं, जैसे रैंडम सेना, UK07 राइडर, मुनावर फारूकी। तो शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब एलुस बिग बॉस में गया था और उसी टाइम से मैक्स टाइन एलुस यादव का मजाक उड़ा रहा था। फिर तब से लेकर अब तक मैक्स टाइन ने काफी बार एलुस का मजाक उड़ाया है। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा। आपने काफी बार मॉक या फिर पोक शब्द सुना होगा, उसका यही मतलब है कि उंगली करना, दूसरों को मजाक उड़ाना। लेकिन इस समय वो कुछ ज्यादा ही कर रहा था। अभी हाल ही में ISPL हुआ था, यानी कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। इसके अलावा ये एक चैरिटी मैच था, यानी कि इससे जो भी कमाई होगी उसे दान कर दिया जाएगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज भी खेल रहे थे और कॉन्टेंट क्रिएटर्स भी आए थे, जैसे कि एलुस यादव, टिकटॉकर रियाज अली और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी। इसी मैच के दौरान एलुस और मुनावर साथ में बहुत खुश दिखते हैं और गले मिलते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उनसे गुस्सा हो गए थे। गुस्से की वजह ये नहीं थी कि वो किसी मुस्लिम से मिला, लोग गुस्सा इसलिए हो रहे थे क्योंकि एलुस पहले ऐसा कहता था, हिंदुओं पे मजाक उड़ाना, हिंदुइज्म का मजाक उड़ाना, हमारी हिस्ट्री का मजाक उड़ाना बन चुका है फैशन इन लिबरल लोगों का। पर कोई बात नहीं भाई, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम मजाक बना सकते हो, पर सिर्फ हिंदुइज्म ही क्यों, और रिलीजन भी है भाई, उनको टारगेट करने का तुम्हारी बुदा है नहीं, ये दुनिया को पता है, मेरे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ हिंदुइज्म को क्यों टारगेट करते हो, और रिलीजन को भी टारगेट करो। और मुनावर ने पहले हिंदुओं का मजाक भी उड़ाया था। कहने का मतलब यह है कि एलुस कहता कुछ है और करता कुछ है, और यही चीज मैक्स टाइन ने ट्विटर यानी कि एक्स पे ट्वीट कर दिया। फिर इनके बीच ऑनलाइन बातचीत होती है और मिलने का डिसाइड होता है। फिर मिलने के बाद एलुस सीधा मारपीट करता है, और इसके पहले ये दोनों ही अपडेट्स दिए जा रहे थे कि मैं कहां तक पहुंचा, और जब तक ये वीडियो नहीं आई थी तब तक तो मामला शांत था। लेकिन जैसे ही मारपीट वाली वीडियो सामने आई तब से हड़कंप मच गया था, और लड़ाई से पहले रैंडम सेना भी एलुस को क्रिटिसाइज कर रहा था कि एलुस को मुनावर से नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताया करते हैं। राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, जय श्री राम, कट्टर हिंदू। इसके अलावा जब मैक्स टाइन और एलुस ऑनलाइन लड़ रहे थे तब मुनावर पॉपकॉर्न खाते खाते मजे ले रहा था। अब एंट्री होती है बाबू भैया की, यानी कि UK07 राइडर की, और वो मुनावर को ये कहते हैं, तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एलुस भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है, अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनावर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर, फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहाँ मिल, वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा जब एलुस मुनावर से मिलते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन वो ऐसे देते हैं, तो मैं वहाँ पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं कि किसी से बातचीत नहीं। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली। अब इसका तो सेंस ही कहीं से कहीं तक नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है बात को खत्म करने का। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर ने भी तो उनके साथ खेला था। लेकिन बात तो ये भी है कि एलुस यादव ही अपने आप को बार बार कट्टर हिंदू बोला करते थे, उन्होंने थोड़ी बोला था। अब बात करते हैं रैंडम सेना की, वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताते हैं लेकिन उन्होंने खुद एलुस की काफी सारी गलतियां छुपाई है। इसका सब गलतियां छुपाई है, चाहे वो सेक्सी सेक्सी मंत्र हो, पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ काफी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले, या गांजा महादेव बोलेगी, या लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना, लड़कियां भी करियां तो लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है, लड़कियां देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। एक्चुअल में ये एक खुद दोगला है जो दूसरों को कह रहा था। अब वापस आते हैं एलुस के मारपीट वाले सीन पे, और मार खाने के बाद मैक्स टाइन ये कहता है, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलुस के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें, तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मैक्स टाइन का कहना यह है कि उनकी FIR को बदला गया है और जो जो सेक्शन उन्होंने लगवाया था वो नहीं लगाया गया है। फिर एलुस बताते हैं कि उन्होंने मैक्स टाइन को क्यों मारा। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुझदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिया था। फिर मैक्स टाइन इस पे ये बोलता है, इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी को जलाने वलाने की धमकी दूंगा मैं कहीं का डॉन तो हूं नहीं, और मेरे अंदर इतना गुदा भी नहीं है कि मैं किसी को जलाने की धमकी दूं। जलाना छोड़ो, मैं किसी को चाटा मारने की भी धमकी नहीं दूंगा, तो जलाने वाली धमकी थोड़ी ओवर लगी मेरे को, बाकी तो कोई है नहीं। लेकिन वो बात आ रहा है कि उन्होंने खुद कुछ सालों पहले एक जन को गाली बकी थी।
भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, बात खत्म, उसको गाली बको, गाड़ फाड़ दो, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। और तब समीर मार्क ने तो एल्विस को नहीं मारा, यहाँ पे भी एल्विस बोलता कुछ है और करता कुछ है। इसके अलावा जब एल्विस बिग बॉस में था तब उसे सलमान खान ने डांटा था और तब वो रोने लग गए थे, क्योंकि मारने से पहले ये भी तो डिसाइड करना पड़ता है कि कौन मेरा क्या कर सकता है। अगर गलती से भी सलमान खान को छू भी दिया होता तो उसके साथ क्या होता वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में वेस्टन और एल्विस वाला मैटर क्लोज हो जाता है। अब वो कैसे हुआ, रजत दलाल नाम के एक आदमी ने दोनों के बीच बातचीत करके मैटर खत्म करवा दिया था। फिर ये दोनों ही भाईचारा ऑन टॉप पोस्ट करते हैं। फिर काफी सारे लोग बोलने लगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि इतनी भयंकर लड़ाई होने के बाद अचानक सब कुछ सॉर्ट आउट कैसे हो गया। अब पता नहीं कि वेस्टन दबाव में आके पलट गया या फिर गांधी जी को देख के, अब ये तो अपने को पता नहीं, क्योंकि जो एल्विस को पहले गुंडा वगैरह कह रहा था कुल मिला के बोले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एल्विस यादव को अरेस्ट करवाओ। वो अचानक से पलट जाएगा तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। काफी लोग का सोचना ये है कि लड़ाई सच में हुई थी या फिर सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए। वैसे मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में कहा है कि कंट्रोवर्सीज ऑन सोशल मीडिया आर पॉपुलैरिटी स्टंट्स, डोंट टेक इट सीरियसली, और यही सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। क्योंकि वेस्टन के इंस्टाग्राम में पहले 800,000 के करीब फॉलोअर्स थे लेकिन अभी के टाइम में 1,000,000 फॉलोअर्स हो रखे हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे यूट्यूबर्स लड़ाई झगड़ा किया करते हैं ताकि उनकी व्यूअरशिप और फॉलोअर्स बढ़े। अगर वेस्टन वाली लड़ाई छोड़ भी दे तो एल्विस ने और भी काफी सारे उटपुटांग काम किए हैं, जैसे कि सट्टा प्रमोट करना जिससे काफी सारे लोग अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। और जब एल्विस से सट्टे के बारे में पूछा गया तो वो ये कहते हैं, बट आपको नहीं लगता कि सट्टा इज अ नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा? नहीं भाई, अरे क्यों, पैसे आ रहे घर में, काफी नेगेटिविटी भाई, काफी नेगेटिविटी भाई, मतलब पैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे सट्टा प्रमोट करना हो या फिर दारू, बस पैसे आने चाहिए। भाई पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट कर सकता है। हाँ वो बात अलग है कि अब वो कुछ दिनों से इंस्टाग्राम में अपनी सट्टे वाली रील्स को डिलीट कर रहा है। इसके अलावा पहले एल्विस टिकटॉकर्स को रोस्ट करता था, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस टिकटॉक पे मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे बावड़ी। हाँ वो बात अलग है कि अब वो खुद टिकटॉकर्स की तरह वीडियोस बनाया करते हैं और उन्हीं के साथ घूमते फिरते हैं। और ये भी नहीं, एल्विस पहले ये बोलता है कि सलमान खान की मूवी कौन देखता है जिसमें कोई सर पैर नहीं होता है। इसका मतलब तो ये है कि वो बिग बॉस भी नहीं गए होंगे। घर के सबसे नए दोनों सदस्यों एल्विस और आशिका का बिग बॉस OTT के इस घर में अब हार्दिक स्वागत है। ये सब दुगलापन है। लेकिन एल्विस ने तो वहाँ भी एंट्री मार दी। पता नहीं क्यों एल्विस अपने आप को ही रोस्ट कर देता है। अगर एल्विस की दो वीडियो अगल बगल रख दी जाए ना तो अपने आप ही रोस्ट हो जाएगा, किसी को रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैस्टर और एल्विस की लड़ाई से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है और एट दी एंड होना जाना कुछ है नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं एल्विस का कोई हेटर नहीं हूँ, क्योंकि स्नेक केस के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। न्यूज में बस बिना प्रूफ के बात चल रही है, अभी तक तो कोई प्रूफ के साथ बात हुई ही नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब वेस्टन और एल्विस के बीच में लड़ाई हुई थी तब एल्विस कह रहा था कि मेरी कम्युनिटी वाले मुझे सपोर्ट करो। एक्चुअली मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि हर चीज में जाति धर्म कैसे आ जाता है। मतलब आदमी सही गलत ना देखे कौन सही कर रहा है और कौन गलत, बस जाति धर्म देख के सपोर्ट करे। सच बताऊं तो एल्विस हिंदू धर्म का सिर्फ रीच पाने के लिए यूज कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।